दर्शकों नमस्कार। ये वीडियो लीक से हटके है, इसमें क्लींजिंग के बारे में डायरेक्टली तो कुछ नहीं बता रहा हूँ। कई बार अपने आप से भी प्रश्न उठता है, क्यों करता हूँ ये सब, क्या मिलता है इससे। ये भी सच है कि जो मिला है, मैंने तो इसका 1% भी 16 साल पहले नहीं सोचा था कि इतनी प्रगति होगी। कोई ऐसी थेरेपी पॉसिबल है कि लोग अपना इलाज अपने हाथ कर सकें, घर बैठे कर सकें, इतने इतने ग्रुप्स बन जाएं, लोग ऐसे ऐसे दोस्त बन जाएं कि किसी भी वक्त किसी भी तकलीफ में काम आ सकें। लेकिन सवाल यह है कि मुझे क्या मिलता है। मैं मानता हूँ जिसने इस खुशी को एंजॉय किया है कि जब जाने अनजाने में कहीं से ये पता चलता है कि किसी मिस्टर एक्स को या उनके परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य में कुछ फायदा हुआ है जिसमें कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन मेरा था, यकीन मानिए खुशी तो होती है। लेकिन खाली ये नहीं है, इससे बहुत आगे कुछ ज़्यादा पहले नहीं, कुल 4 महीने पहले हुआ। वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारे हैं, वेबसाइट पे अगर 400 हैं तो उनसे जुड़े हुए इनडायरेक्ट वॉलंटियर्स भी 2000 के करीब हैं। चर्चा भी होती है, भगवान की पूजा मैं करता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं भगवान को मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ। हाँ, यूनिवर्स को मानता हूँ और किसी शक्ति को मानता हूँ जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लॉकडाउन के ही पीरियड में मैंने करीब 20 सितंबर को यूनिवर्स में ऐसे ही प्रार्थना की कि हमें कोई पागल व्यक्ति चाहिए, और मुझे ये भी नहीं पता कि यूनिवर्स तक कहाँ बात पहुँची। बस एक हफ्ते भर के अंदर संतोष केसरी का फ़ोन आता है कि एक महेश राजगोर जी हैं घाटकोपर में, वो मिलना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा गुस्सा भी हुआ कि मिलेंगे क्यों, क्या तुमने सभी प्रश्नों के जवाब नहीं दिए थे। उन्होंने कहा सर जवाब दे दिए थे लेकिन वो मिलना चाहते हैं। मैंने कहा तो ऐसे तो मिलने की कोई ज़रूरत है नहीं, कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप कर दे, मुझे फॉरवर्ड कर देना, मैं जवाब दे दूँगा। फिर एक हफ्ता गुजर गया, फिर वही फ़ोन। 15 अक्टूबर 2020 को मुझे किसी और काम से घाटकोपर जाना पड़ा। मैंने संतोष से कहा कि उनसे कह दो कि मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे घाटकोपर में 10 मिनट के लिए मिल सकता हूँ। इतनी बात पे महेश भाई का मेरे पास फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि आप घर आइए। मैंने कहा कहीं बाहर मिलने से अच्छा है घर चलते हैं। उनके घर पहुंचने के पहले मेरे साथ डॉक्टर डिम्पल गोहिल थी, जिनके साथ हमने वीडियो बनाए। अरे वो तो घर नीचे रिसीव करने आ गए हमको और डिम्पल को, और वहाँ जो कुछ हुआ वो तो चमत्कार था। ये दोनों गुजराती थे और गुजराती एक तरफ, यूपी एक तरफ हो गया, मैं तो चुप हो गया वहाँ पे। लेकिन मैंने देखा ये लोग बड़ा घुल मिल के बात कर रहे हैं, पहली बार की मुलाकात थी। मैंने इमीडिएटली नीलेश को बोला, नीलेश आ जाओ, कुछ बात मुझे गहरी लग रही है। नीलेश भी सेवा भाव में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, टू मच। नीलेश आ गए, आधा घंटा लगा, डॉटर भी आई उनकी, हम लोगों ने साथ में खाना खाया। महेश भाई ने बातों के दौरान बताया कि उनका लड़का संत है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि संत क्या होता है। यकीनन मुझे उस वक्त तक 15 अक्टूबर 2020 में जब मैं उनके घर पे घुसा था, मुझे नहीं पता था कि संत क्या होता है। उनका बेटा संत है, कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ा कि संत है, ठीक है। महेश भाई ने बताया कि जो संत होता है वो घर छोड़ के जाता है। मुझे नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा वो BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय में संत है, जहाँ 20 साल से 25 साल की उम्र के लड़के संत बन जाते हैं, और जो संत बनते हैं वो दोबारा कभी घर लौट के नहीं आते। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा क्या ये सच है महेश भाई? लेकिन उनकी बातों में कहीं भी किसी भी तरह के झूठ की गुंजाइश थी ही नहीं, वो बिल्कुल सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। उनके घर में 2 अक्टूबर 2020 को महेश भाई के ग्रैंडसन पैदा हुआ था, दर्शन। मैंने कहा नारायण मूर्ति उनके बेटे का नाम है जो संत हैं लॉस एंजल्स में। मैंने कहा चाचा से बात कराई कि नहीं भतीजे की? कहते चाचा को तो पता भी नहीं है। मैं हैरान रह गया, चाचा को पता भी नहीं है कि भतीजा हुआ? कहते नहीं, वो सिस्टम में ही नहीं है। मतलब जब संपर्क टूटा तो खत्म हो जाता है। मैंने कहा उनसे कब संपर्क होगा? महेश भाई ने बताया उनके पास जीवन में सिर्फ 2 संदेशे जा सकते हैं, एक पिता की डेथ का और एक माता की डेथ का। मैं फिर एक बार चौंक गया। BAPS में आज की तारीख में 1100 संत हैं। ये सभी संत घर से अलग हैं, इन्होंने दीक्षा ली है। इनका 7 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनको धर्म, पुराण, सब कुछ हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है और बड़ी कठिन पढ़ाई होती है वो। ये संत एक लकड़ी के बोल में खाना खाते हैं, ये बोल उनके साथ जिंदगी भर चलता है, दीक्षा के साथ मिलता है उनको और उनके मृत्यु के समय उनके परिवारजन को वापस किया जाता है। जब हम सारंगपुर में थे तो एक स्वामी धाम को गए थे, 7-8 साल घर से अलग रहे थे, धाम को गए, उनके माता पिता को बुलाया गया, किसी के चेहरे पे शिकन नहीं, कोई आंसू नहीं, उनको वो बोल वापस किया गया था। हृदय विदारक सीन मेरे लिए हो सकता है लेकिन उनके लिए तो बिल्कुल सामान्य था। फिर इनकी ज़िंदगी कैसी है? ये सिर्फ 2 कपड़ों में रहते हैं, 2 सूती कपड़े गेरुए रंग के, बस और कुछ भी नहीं। और इसी के इनको 2 सेट दिए जाते हैं, एक धोया डाल दिया, वो सूख गया तो वो पहन लिया, पहला वाला धो के डाल दिया। ये न तो कभी पैसे को स्पर्श करते हैं, न कभी स्त्री को स्पर्श करते हैं और न स्त्री से मिलते हैं। महेश भाई ने कन्विंस होके संतों तक पहुंचाई ये बात कि स्वास्थ्य के लिए आपको लिवर क्लींस करना चाहिए। सबसे पहले हम नवसारी में गए थे, वहाँ 6-7 संत थे, उनके साथ हमने चर्चा की और शाम को उन सब ने लिवर क्लींस किया और बिल्कुल उनको भी आनंद आ गया, हमको तो आना ही आना था। उसके बाद एक एक करके हमने 16 मंदिर विजिट किए और उनमें 13 रात हम लोग अलग अलग रहे। सारंगपुर में ज़्यादा रहे थे क्योंकि वहाँ पर संतों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है। इनके बहुत करीब जाने का मौका मिला मुझे, संतों से बहुत सारी बातचीत भी हुई मेरी। सारंगपुर में तो बिल्कुल हद हो गई थी। इनसे मैं बात कर रहा था अलग अलग संतों से, मतलब इतना आनंद आता था इसमें क्योंकि ये अपने अपने विषय के एक्सपर्ट्स होते हैं बिल्कुल, और धर्म और पुराण के तो खास तौर से। संतों से बातचीत करते करते कम से कम 10 मौक़ों पर मैं मजबूर हो गया और मैंने पूछा स्वामी आपका परिचय क्या है? उन्होंने कहा परिचय क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा जिस तरह के प्रश्न आप पूछ रहे हैं मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है आपके बारे में कुछ और जानने के लिए। उनमें से कुछ लोग बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे थे। एक तो उसमें कंप्यूटर साइंस के 22 साल के सीनियर प्रोफेसर थे, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से आए हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि इतने पहुंचे हुए लोग वो पैसे माया मोह की दुनिया छोड़ के यहां आते क्यों हैं? मैंने कुछ अधिकारवश उनसे पूछा तो मुझे ऐसा लगा इनको सिर्फ सेवा चाहिए, हिंदू धर्म की सेवा, सनातन धर्म की सेवा, और इन सिद्धांतों से जुड़ के ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और ये आराम से 16-18 घंटे बिना थके लगातार काम करते हैं कि बस किसी तरह से समाज की सेवा होती रहे। संतों से अलग वहाँ पे 40 स्टूडेंट्स संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के तरीके भी क्या हैं कि आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, लेकिन कोई कंपटीशन नहीं है, और अगर कंपटीशन है तो इस बात का कि सबको मिल के पढ़ना है। मैं तो हैरान रह गया कि ऐसी संस्कृति क्या पॉसिबल है, ये मैंने सिर्फ BAPS में देखा। लोगों को कितना ध्यान से पढ़ाया जाता है बताता हूँ आपको। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और संस्कृत, 4 भाषाएं उन 40 बच्चों को आती थी। हमारे पास जो बच्चे हमें गाइड के लिए दिया गया था, हमने बहुत सारे प्रश्न पूछे उससे, जितने समझ में आते थे। यकीन जानिए, मैं उस 22 साल के बच्चे से पूरी तरह से संतुष्ट था। जो जो प्रश्न पूछा उसने उसका आंसर दिया। उसने यहाँ तक बताया कि हिंदू धर्म में नास्तिकों के लिए क्या अप्रोच बताई गई है, कि जो नास्तिक हैं वो कुछ और मानते हैं और वो भी हिंदू हैं। जिस एक बात ने मुझे न भूलने को मजबूर किया वो ये थी, किसी भी एक टॉपिक की पर्ची उसको हाथ में मिली और वो उस पर बोलना शुरू करेगा, और उसके बाद जब उसका 5 मिनट का समय ख़त्म हो जाएगा तो टीचर बताएंगे कि बाकी 9 में से किस बच्चे को उसके ऊपर कमेंट्स देने हैं। और मज़े की बात यह है कि जो दूसरा बच्चा है उसको टीचर ये भी बताएंगे कि उसको गुजराती में, संस्कृत में, इंग्लिश में या हिंदी में देना है। बड़ी कठिन तपस्या है। अब मैं समापन कर रहा हूँ इसका कि एक बार फिर ये उस सवाल का जवाब है कि क्लींजिंग थेरेपी ने मुझे क्या दिया है, और ये जो पिछले 4 महीने का एक्सपीरियंस था संतों के साथ, ये अभूतपूर्व था, और ये क्लींजिंग थेरेपी की मुझको गिफ्ट है। पता नहीं कैसे ये संभव हुआ, लेकिन अच्छा बहुत लगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ।